नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 बार सुनवाई हुई। छात्रों की मांग थी कि नीट की परीक्षा रद्द कर दी जाए और एग्जाम दोबारा करवाया जाए, जबकि एनटीए ने इससे इनकार किया। तो कोर्ट का कहना था कि जब तक बड़े पैमाने पर पेपर लीक के ठोस सबूत नहीं मिल जाते, री एग्जाम नहीं करवाया जा सकता। और लंबी बहस के बाद, हर पहलू पर विचार करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो क्या है नीट धांधली पर कोर्ट का बड़ा फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा करवाना तर्कसंगत नहीं है, नीट परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट मुद्दे पर 5वीं बार सुनवाई हुई। दिन भर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चली और आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं विवादित प्रश्न पर कोर्ट ने साफ किया कि NCERT की नई किताब के जवाब को सही माना जाएगा। IIT दिल्ली ने इस जवाब की पुष्टि की है। कोर्ट ने कहा कि अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एग्जाम में सिस्टम के लेवल पर गड़बड़ी हुई, इसीलिए री एग्जाम ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए री एग्जाम से इनकार कर दिया कि इस फैसले का 20 लाख छात्रों पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिनमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को खत्म करने से लेकर भविष्य में डॉक्टरों पर लोगों के भरोसे डगमगाना भी शामिल है। बहरहाल अब बुधवार से नीट UG की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।